नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, अभी अभी हमारे एक सब्सक्राइबर्स की एक कमेंट मैंने पढ़ी कि किसी ने उनकी वाइफ पर ऐसा कोई तंत्र कर दिया है कि उनकी वाइफ उनको छोड़ करके चली गई है। कई जगह पर ऐसा होता है कि आप एक तरफा किसी के साथ लव अफेयर में होते हैं, आप 100% सही हैं, लेकिन सामने वाला आपके कहे पर नहीं आ रहा है, वो आपका कहना नहीं मान रहा है। कई घरों में पतियों के द्वारा या पत्नी के द्वारा ऐसी गलती हो जाती है कि वो परिवार तितर बितर हो जाता है, सब के सब तितर बितर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आपका परिवार आपसे हटेगा, आपका परिवार तितर बितर होगा, तो सबसे पहले आपका साथ आपके अपने छोड़ देंगे। आपकी वैल्यू तभी तक है जब आपका परिवार संगठित है। पत्नी पर किसी ने कुछ किया हो या पति कहीं और संबंध बनाकर बैठा है, ये तमाम वो चीजें हैं जो घर को खत्म कर देती है, और बाद में वो भी व्यक्ति खत्म हो जाता है जो किसी न किसी चक्कर में बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो कुदरत को मंजूर नहीं है वो काम जो करेगा उसका नाश होना है और होना है। कई जगह आप देखना बहुत गंदे रिलेशन समाज में अस्तित्व रखते हैं। देवर भाभी, भाभी का अपना पति होने के बावजूद भी कम उम्र के देवरों को अपनी साठ गांठ में फंसा लेना और उनकी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ देना। कई जगह जीजा साली, ऐसे रिलेशन, खुद अपनी सगी बहन का घर बहन बर्बाद करने में कहीं पीछे नहीं हटती। कई जगह तो मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं जहां बहन बहन का ही घर तोड़कर खुद जाकर के बैठ गई है। एक सेकंड के लिए भी ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो आपका कितने दिन होगा, है ना। अब ऐसे में आपका घर ना टूटे, कोई परिवार तितर बितर ना हो, और इंसान जो किसी को सच्चे दिल से चाहता है वो उसको प्राप्त हो, इसके लिए आप इस उपाय को करें। अपने गलत इरादों को पोषने के लिए कभी भी ऐसे उपाय ना करें, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है वो लोग जो शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, वो किसी तंत्र मंत्र का कभी यूज नहीं करते। उनको खुद पर और भगवान पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन जो लोग गंदे हैं, जिनकी नीति गंदी है, जिनकी नजर में गंदगी है, जिनको यही नहीं मालूम पड़ता कि हमारा जीजा है या ये हमारा देवर है, जेठ है, जो इस हद तक नीचे गिर चुके होते हैं, वही लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को अच्छाई के लिए आपको दे रहे हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। एक बात आप याद रखें, यदि आप अपने स्वार्थ में किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद करेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं होगा। प्रेम लेने की नहीं, देने की चीज है। प्रेम में किसी को पकड़ो मत, त्याग करो तो आपका प्रेम सच्चा है। हाँ, यदि आपका परिवार बिखर रहा है, आप इस उपाय को जरूर करें। शनिवार के दिन आप मिट्टी ले लें, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ले लें, और उस मिट्टी से आप ये इमेजिन करें कि आप सामने वाले व्यक्ति का पुतला बना रहे हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, और उसको आप नीले रंग के कपड़े पहना दें। यदि सामने वाले व्यक्ति का बाल, नाखून, इनमें से कोई भी चीज आपको मिलती है तो आप उस मिट्टी में जरूर मिला दें जब आप पुतला बना रहे हैं। उस पुतले को अच्छे से बनाएं, इमेजिन करें, फिर से बता रही हूँ कि ये वही व्यक्ति है जिसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, वापस लौट करके आए। आप उस व्यक्ति के ऊपर उसके हृदय के पास आपका नाम लिखें, प्लस बनाएं और सामने वाले का नाम लिखें।
दोनों का नाम लिख करके किसी भी निर्जन स्थान में आप उस पुतले को लेकर के जाएं, थोड़ा सा गड्ढा करें और उसको गाड़ दें। और शनिवार के दिन आपको जब भी टॉयलेट जाना हो, बाथरूम जाना हो, आपको पेशाब लगे, आप वहीं पर जाकर उसी पर पेशाब करें और उस पुतले को ऑर्डर करें कि वो अब आपकी लाइफ में वापस आए। इस क्रिया को आप शनिवार के दिन करें, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं कि आपसे शादी करे या आपकी जिंदगी में आए, वो व्यक्ति बहुत जल्दी सामने से आकर के अपने प्यार का इजहार करेगा और आपको एक्सेप्ट करेगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।